पेटीएम पोस्टपेड के साथ आपको काफी सारी दिक्कतें फेस करने को मिल रही होंगी। वो ये कि अगर मर्चेंट को आप QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू, तो वो भी नहीं आ रहा होगा ऑप्शन। अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप नहीं कर पा रहे होगे। तो भाई चिंता मत करना, इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ भाई, किस तरीके से आप मर्चेंट को भी सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, और काफ़ी सारी दिक्कतें वो इस वीडियो के अंदर मैं खत्म करने वाला हूँ। तो चलो उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये दिक्कतें पेटीएम पोस्टपेड के साथ क्यों आ रही हैं। पहले जो लेंडिंग पार्टनर था वो था आदित्य बिरला फाइनेंस, उसके बाद आया फ्लैटोन इंडिया, अभी जो हमारा लेंडिंग पार्टनर है वो चल रहा है भाई SMFG। काफी सारे अकाउंट के अंदर आपको ये SMFG देखने को मिल भी गया होगा। अगर आपके अकाउंट के अंदर नहीं शो कर रहा है तो भाई चिंता ना करें, थोड़ी दिनों में अपडेट आएगा और अपडेट करते के साथ ही आपको जो लेंडिंग पार्टनर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब अगर लैंडिंग पार्टनर यहाँ पर चेंज हो रहा है तो गाइस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज होंगी, कुछ मतलब चार्जेस वगैरह में भी उलटफेर हो सकता है। तो अभी देखते हैं भाई क्या क्या अपडेट आती है, इसी वजह से आपके पेटीएम पोस्टपेड है ना आप यूज करने में दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना भाई, मेरे हिसाब से लगभग 10 से 15 तारीख के अंदर अंदर, अभी आज के दिन 4 तारीख है, तो 10 से 15 तारीख के अंदर अंदर ना ये सारा कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप इजिली पेमेंट भी कर सकते हैं और इजिली बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। करंट कंडीशन की बात करूं तो गाइस अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड को फिलहाल भी यूज करना चाहते हैं तो बताता हूं कैसे होंगे, और अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के अमाउंट को अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। तो यहां से मेरा पेटीएम ओपन हो चुका है, अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहां पर आ गया पेटीएम पोस्टपेड। तो मैं एक पेटीएम पोस्टपेड का भाई बहुत अच्छा कस्टमर हूँ, वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो 6,000 रुपए है, और मैंने इसमें कितना यूज करता है लगभग 5,700 रुपए के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,736 रुपए का मेरा बिल ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है, और मेरा जो लैंडिंग पार्टनर है वो चेंज हो चुका है। SMFG आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शो कर रहा है यहाँ पे, तभी एक अपडेट आएगा और ये आपका लैंडिंग पार्टनर जो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो गाइस पेटीएम पोस्टपेड के जो अमाउंट को आप यूज करेंगे, किस तरीके यूज करेंगे मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको अपने पेटीएम बिजनेस में चले जाना है, जो कि अगर नहीं है तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इजी इसको अंदर लॉगिन कर सकते हैं अपने पेटीएम सेम नंबर से ही। जैसे ही आप पेटीएम बिजनेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ आ रहा है ना मर्चेंट सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सोर्स एंड चार्जेस, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पेटीएम बैंक के थ्रू मैं यहाँ पर अमाउंट ले सकता हूँ, वॉलेट के थ्रू भी अमाउंट यहाँ पर ले सकता हूँ अनलिमिटेड, और यहाँ लिखा हुआ है रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पर मैं अप टू 2,000 रुपीज तक ही पेमेंट ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं वो ये तीन ही आ रहे हैं, बस पेटीएम बैंक वॉलेट और एक रुपए क्रेडिट कार्ड, ये तीन पेमेंट मोड के थ्रू ही मैं पेमेंट ले सकता हूं अपने पेटीएम पोस्टपेड, अदरवाइज किसी से नहीं। तो अभी पेटीएम पोस्टपेड का यहां से ऑप्शन जा चुका है, पहले जो ऑप्शन आता था पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू पेमेंट लेने का, तो गाइस वहां पर हमें इसको एनेबल करने के बाद है ना पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू भी यहां पर पेमेंट लेते थे और उसका चार्जेस लगता था 1.99। अभी कुछ अकाउंट के अंदर शो कर गया है पेटीएम पोस्टपेड का, लेकिन जिन अकाउंट के अंदर शो नहीं करा है तो एक अपडेट आएगा और उस अपडेट के अंदर ये यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का जो अमाउंट है वो शो कर जाएगा, लेकिन चार्जेस यहाँ पर चेंज होंगे। यहाँ पर देखिए पहले 1.99 चार्ज लगता था पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट लेने का, और अभी जो करंट चार्जेस लगने वाले हैं वो 2.5, हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ जाए भाई, 3 तक भी पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो अगर यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन शो कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको ऑन कर दीजिए। आपको है ना एक ऐसा ही अपना मर्चेंट या कोई अपना ऐसा फ्रेंड देखना है जिसकी शॉप पर पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पर एनेबल करने का ऑप्शन आ रहा हो, अगर वहां पर एनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है ना तो आप वहां पर कुछ चार्जेस देकर 2% तो आपको अपने चार्जेस देने पड़ेंगे जो आप उसको ट्रांसफर करेंगे, और 3% उसको अपने जो उसके चार्ज कटेंगे पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट लेने के, तो 5% ओवरऑल 5% आपका चार्ज कटने वाला है भाई, और आपका जो पूरा पेमेंट आए ना पेटीएम पोस्टपेड का उसको आप इजिली अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। यहां से अपने फ्रेंड को कर दिया और आपके फ्रेंड ने वो अमाउंट आपको पेटीएम के थ्रू या फिर UPI के थ्रू आपके अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी यही ऑप्शन है कि भाई आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के अमाउंट को अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सको, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और आपको कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर एक अपडेट आएगा और उसके बाद ये सारा पेटीएम पोस्टपेड का जो रायता फैला हुआ है ना ये सब ओके हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो, किसी चीज की दिक्कत मत मानिएगा, तो जैसी एक नई अपडेट आएगी मैं आपके पास एक फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा। तो फिलहाल आप एक ऐसा मर्चेंट ढूंढ लीजिए जो पेटीएम पोस्टपेड से अमाउंट ले रहा हो, तो उसको आप सेंड करके वो अमाउंट अपने UPI के थ्रू अकाउंट के अंदर
ले सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के अमाउंट को यूज कर सकते हैं, मर्चेंट पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ चार्जेस देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको अभी बताई दिए और एक बार और बता देता हूं। वो चार्जेस ये हैं कि भाई पुराने लैंडिंग पार्टनर के साथ थे हमारे 1.99 और अभी न्यू लैंडर के साथ हो सकता है 2.5 का स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको दिखा दिया, एक बार और दिखाता हूं। देखो ये रहा, और हो सकता है भाई ये चार्ज अभी 3% तक भी पहुंच जाए। तो मेरे हिसाब से तो भाई आने वाले टाइम में पेटीएम पोस्टपेड के यूजर काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, क्योंकि खुद आप जान सकते हैं भाई 3% मतलब जो पेटीएम पोस्टपेड से अमाउंट रिसीव करेगा 3% तो उसका कट जाएगा और 2% हमारा कटेगा जो हम सेंड करने वाले हैं। तो मतलब टोटल 5% का आपको नुकसान होने वाला है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से तो पेटीएम पोस्टपेड के यूजर काफी कम होने वाले हैं यहाँ पर। इमरजेंसी की बात करूं तो गाइस अगर आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड के अमाउंट को अभी रिसेंटली निकालना है ना, तो आपको एक अच्छा खासा मर्चेंट ढूंढना पड़ेगा जो पेटीएम पोस्टपेड का अमाउंट को रिसीव कर रहा हो 3% पर भी, क्योंकि 3% यार काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई मर्चेंट मिल जाता है तो आप उसको 10,000 रुपए या जो भी आपकी लिमिट है जो आप निकालना चाहते हैं पेटीएम पोस्टपेड से, वो आप स्कैन करके उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 3% का जो नुकसान होगा वो उस वाले मर्चेंट को होगा, तो वो आपको वहां पर चार्ज ले सकता है आपसे। तो अगर आप इस चार्ज को देने के इच्छुक हैं, मतलब टोटल 5% हो जाएगा, 2% तो आपको जो आपको पे करना होता है, 3% वो वाला तो जिस मर्चेंट को आप सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आप 5% के नुकसान पर अगर उस अमाउंट को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मत लेना, 5% भाई काफी ज्यादा होता है। तो 10,000 रुपए 500 रुपए हो गए तो मेरे हिसाब से नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है। थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए भाई, 10 से 15 तारीख के बीच में एक अपडेट आएगा और सब कुछ चेंज सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे ही अपडेट आएगा भाई, तुम्हारा भाई एक फ्रेश वीडियो लेकर आएगा और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे ही उस वीडियो को अपलोड करूं अपलोड करते ही आप पास जानकारी पहुंच जाएगी। तो गाइस ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।